हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम डेट क्यों एक्सटेंड हो गई है और इसके रीजंस भी जानेंगे और अदर इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे जो कुछ बच्चों ने आरटीआई के थ्रू अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। आप ये देख सकते हैं एसएससी के चेयरमैन का ये नोटिस आया हुआ है और इसमें उन्होंने अपने 3 साल का पूरा रिकॉर्ड दिखाया हुआ है कि इन्होंने एग्ज़ाम्स लिए हैं और कितने कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं और आगे अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनकी। और उन्होंने अपना मेन रीज़न ये बताया है डिले होने का कि इनके पास बहुत सारा बर्डन था, बहुत एग्ज़ाम्स थे उनमें। और आप इसे इस नोटिस को आप मेन साइट से डाउनलोड कर सकते हैं ssc.nic.in से, और आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। उन्होंने हर एक एग्ज़ाम को डिटेल वाइज बताया है कितने कितने बच्चे अपीयर्स हुए हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर। हम चलिए अपने एग्ज़ाम्स को देखते हैं जो इसके अंदर लास्ट पॉइंट में है, 27 पॉइंट में है। आप देख सकते हैं इसमें 1,95,897 बच्चे जो होते हैं वो एडमिट कार्ड उन्हें अलॉट किया गया था और ये एग्ज़ाम 5 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर को हुए थे। और जो रिज़ल्ट डेट है वो 9 फरवरी 2018 है और जो वैकेंसी है 7,307 है और पूरा टाइम इन्होंने लिया है रिज़ल्ट का 2 महीने। और एक रिमार्क भी है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि एग्ज़ाम क्यों डिले हुआ है। मेन रीज़न यही बताया जा रहा है एसएससी के पास बहुत सारा बर्डन था इसलिए इन्होंने एग्ज़ाम्स डेट को एक्सटेंड कर दिया है रिज़ल्ट की। चलिए और जानकारी देखते हैं जो आरटीआई के थ्रू बच्चों ने अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फिजिकल में कैटेगरी वाइज कितने बच्चों ने क्वालिफाई करा है, तो इसमें कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं इसमें एक प्रश्न पूछा गया है और इसमें उत्तर में उन्होंने रिस्पॉन्स मिला है आरटीआई के थ्रू कि जो जनरल के कैंडिडेट हैं वो 54,429 बच्चे हैं जिन्होंने फिज़िकल क्वालिफाई करा है, मेल फीमेल इंक्लूडेड है। और ओबीसी से 96,225 बच्चे हैं और एससी से 26,921 और एसटी से 18,282 बच्चे जिन्होंने ये फिज़िकल क्वालिफाई करा है और टोटल हैं 1,95,800। चलिए और कुछ देखते हैं थोड़ी सी। और एक आरटीआई, एक आरटीआई में इसमें पूछे गए थे कितने बच्चे अपियर हुए हैं यानी कितने बच्चों ने रिटर्न एग्ज़ाम दिया है, वो थे 1,83,047 बच्चों ने एग्ज़ाम अपियर हुए हैं। लगभग लगभग 12,810 बच्चों ने एबसेंट थे जो उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। लगभग ये पूरा टोटल का 6.5% बच्चे हैं जो एबसेंट हुए हैं। और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं। एक आरटीआई डाली गई थी, बच्चे ने पूछा था, पहला सवाल तो सिंपल ही है, जिसने उन्होंने वैकेंसियाँ पूछी हैं वो तो आपको पता ही है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए इसमें, ठीक है। और मेन इसमें सेकंड पॉइंट है जो एक नया पॉइंट मिला है कि इन्होंने पूछा था कि करंटली में मेल कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज खाली हैं, तो इन्होंने रिस्पॉन्स में दिया था 6,339 वैकेंसीज खाली हैं। तो ये प्रेजेंट में खाली हैं और ये प्रीवियस में जो भरी जा रही हैं वो आप देख सकते हैं 4,883 वैकेंसियाँ भरी जा रही हैं। तो ये माना जा रहा है कि कई बच्चे बोल रहे हैं कि ये टोटल भर ली जाएंगी जितनी खाली हैं, तो लगभग 4,883 तो भरेंगे ही, जो आगे प्लस होंगी वो कहा जा रहा है कि ये मे बी है इंक्रीज़ हो वैकेंसी। चलिए वो तो आपको पता चल जाएगा इंक्रीज़ होगी, तो अभी भी 20, 18, 19 दिन है रिज़ल्ट आने में, तो इन बीच में कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज़ भी हो सकती है वैकेंसी। तो इंक्रीज़ होगी तो मे बी यह कट ऑफ थोड़ी सी डाउन जाएगी, अगर नहीं होती इंक्रीज़ तो कट ऑफ वही रहेगी जो मैंने आपको बताया था, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि जो मैंने एक्सपेक्टेड की थी कट ऑफ आप देख सकते हैं मैंने एक्सपेक्टेड कर रखी है कट ऑफ। और मैंने इसका एक पूरा वीडियो बनाया है, आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, फिर भी आप एक बार इसमें देख लीजिए मेल कैटेगरी की 71 से लेकर 73 तक ही जाएगी
जनरल की मेल कैटेगरी से, ओबीसी की 67 से 70 तक ही जाएगी, और एससी की 64 से लेकर 68 तक ही जाएगी, एसटी की 61 से 64 तक ही जाएगी, और फीमेल की जनरल की 63 से 66 जाएगी, और ओबीसी एससी एसटी आप देख सकते हैं इसमें। मैंने कई वीडियोस देखी यूट्यूब पे और उन्होंने फीमेल की कैटेगरी को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें तानी ऐसा क्यों लगता है कि मेल के कंपेयर में उन्होंने सिर्फ 2-3 नंबर ही कम करके दिखाई है कट ऑफ। आपको देखना होगा कि लगभग 35,000 फीमेल कैंडिडेट है जिन्होंने फिज़िकल क्वालिफाई करा है, और कुछ एबसेंट्स भी होंगी तो मान के चलिए 32,000 के आसपास, 33,000 के आसपास ही क्वालिफाई करा होगा और रिटर्न में बैठे होंगे। और मेल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, कम से कम 1,60,000 हैं। तो आप कंपेयर कर लीजिए कि मेल फीमेल में कट ऑफ में अंतर रहेगा और काफ़ी अच्छे नंबरों से ही रहेगा। तो प्लीज़ जो भी वीडियोस आप देख रहे हो यूट्यूब पे जो कंपेयर नहीं कर पा रहे फीमेल कैटेगरी, तो वो सोच सकते हैं कैसे बना रहे होंगे वीडियो। तो आप मान के चलिए फीमेल कैटेगरी की मेल कैटेगरी से कम से कम 10 नंबरों का अंतर तो रहेगा ही रहेगा, इतना मान के चलिए। दोस्तों बस यही इन्फॉर्मेशन थी आपको शेयर करनी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।